गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सात प्रश्नावली 11.3, जिसमें आपका प्रश्न नंबर है 10। दे रखा है 14 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की सीट, मतलब कि 14 सेमी त्रिज्या का एक गत्ता का सीट है। गत्ता का मतलब कोई सीट है, उसको 14 सेमी त्रिज्या को काट के बनाया गया है, यानी कि इस वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या है, 14 सेमी। 14 सेमी दे रखा है इसका। अब कह रहा है कि सीट में से, मतलब उसी सीट के अंदर से 3.5 सेमी त्रिज्या, मतलब एक छोटा सा वृत्त काटा जा रहा है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी। दो वृत्तों का, मतलब उसमें से दो वृत्त काटे जा रहे हैं। पहले तो दे रखा है कि एक बड़ा सा वृत्त है और उस बड़े से वृत्त का त्रिज्या है 14 सेमी, और उसी वृत्त के अंदर से दो छोटे छोटे वृत्त काटे जा रहे हैं जिस वृत्त का त्रिज्या है 3.5 सेमी। और फिर जैसा कि आकृति में दिखाया गया, यानी कि इधर फिगर में आपको देखा है बड़ा सा एक वृत्त है और इस वृत्त में से एक छोटा सा वृत्त काटा गया है और एक यहाँ पे भी छोटा सा वृत्त काटा गया है, जिस वृत्त का छोटे वाले वृत्त का 3.5 सेमी त्रिज्या है और बड़े वाले का 14 सेमी त्रिज्या है। और फिर जरा सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और देखिए, और इसी में से, मतलब इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना, और फिर इसी में से देखिए एक आयत भी काटा गया है और 3 सेमी लंबाई तथा 1 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत काटा गया। तो पहले हमें देखिए क्या है कि पहले तो एक बड़ा सा वृत्त दे दिया है जो 14 सेमी त्रिज्या का है, उसके बाद दो छोटे छोटे वृत्त काटे जा रहा है जिसका त्रिज्या 3.5 है, उसके बाद एक और उसी में से आयत काटा जा रहा है जिसकी लंबाई 3 सेमी और चौड़ाई 1 सेमी, जैसा कि ऑलरेडी फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बाकी, मतलब इस पूरे बड़े वाले से काट के हम निकाल दे रहे हैं छोटे दो वृत्त और आयत, तो जितना भाग बच गया, मतलब बाकी जितने गत्ता बच गया है, जैसे यहाँ पूरे बड़े वाले से जितना शेष बच गया है, तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखे गए वृत्ताकार गत्ते की सेट की त्रिज्या, कैपिटल आर इसलिए हमने यहाँ पे लिखे है कि ध्यान से देखिए कि पहले तो समझे कि जैसे वृत्त का त्रिज्या आर, स्मॉल आर से दर्शाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बड़ा वाला वृत्त है और उसके अंदर से छोटा वृत्त भी काटा जा रहा है, तो इसलिए हमें कंफ्यूजन ना हो समझने के लिए बड़े वाले वृत्त के लिए कैपिटल आर लिखे हैं, तो कैपिटल आर बड़ा आर बड़े लेटर में आर लिखे हैं तो 14 सेमी। उसके बाद और छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो छोटा वाला जो वृत्त काटा गया उसका त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 3.5 सेमी, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया भी। आयत की लंबाई, आयत का लंबाई भी दे रखा है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब इसका होता है प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में पूछे गए क्वेश्चन के अनुसार। तो लिखेंगे सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग क्षेत्रफल। तो पहले समझिए, बड़ा सा वृत्त है, इसमें से दोनों छोटे वृत्त और आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लें, और निकालने के बाद इन तीनों का क्षेत्रफल घटा दें। घटाने का मतलब है, जैसे मान के चलिए बड़ा वाला है और इस बड़े वाले में से छोटे छोटे का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम घटा दें, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, आसानी से हमें मिल जाएगा। तो लिखा गया है वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, मतलब पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस माइनस दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, तो दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, प्लस आयत का क्षेत्रफल, इसलिए इन दोनों का और इनका जोड़ के हम माइनस कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो ध्यान से देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर लिखे है, तो कैपिटल आर बड़े वाले वृत्त का है, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब माइनस चिन्ह लगाए हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या है, दो वृत्त लिखे, दो छोटे वृत्तों का, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे छोटे वृत्त कितने हैं, दो हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम दो लिख दिए, दो से गुणा भी कर देंगे, प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे फार्मूला भी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लिखा गया एल गुणे बी। तो चलिए इसको हल करते हैं, तो पाई का हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर है, कैपिटल आर है आपका 14, तो 14 × 14 दो बार लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे और बड़ा सा ब्रैकेट, दो
पाई का लिख देंगे 22 बटा में 7 गुणे आर। स्मॉल आर की बात है तो स्मॉल आर आपका 3.5 है, तो 3.5 गुणे 3.5 ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई आपका कितना है 3 है और चौड़ाई 1 है, तो लिख देंगे 3 गुणे 1 और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 7 से काट देंगे 14 को, तो दो बार में कट गया, तो हो जाएगा 22 गुणे 2 गुणे 14। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बड़ा सा ब्रैकेट, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को लगाएंगे, तो छोटे ब्रैकेट में देखिए 7 है और ऊपर है 3.5, तो 7 से काट देंगे तो 7 × 5 = 35, 5 बार में कट गया और एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बच गया 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 प्लस 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 ही हो गया, पूरा कर देंगे तो हो जाएगा 22 गुणे 2 है गुणे 14 माइनस 2 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 ब्रैकेट बंद प्लस 3। ठीक है, अब देखिए गुणा कर देंगे तो 22 गुणा 44 गुणे 14 माइनस 2 ब्रैकेट में लिखिए, तो 22 गुणे 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 लिख देंगे गुणे 3.5 प्लस 3, तो यहां पर गुणा कर देंगे तो 14 चौको 56 का 6 हासिल आ गया 5, 14 चौको 56 और 5 61 तो 616 हो गया माइनस, यहां पे देखिए 11 का 3.5 में गुणा करेंगे। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 2 इसका करेंगे तो 11 × 55 का 5 हासिल आ गया 5, 11 × 33 5 38, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, उसके बाद ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट में 3। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 616 माइनस, अब इसका गुणा कर देंगे तो 5 × 10 का 0 हासिल आया 1, 8 × 16 और 1 हासिल था 17 का 7 हासिल आया 1 और 3 × 6 और 1 7, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे यानी कि 77 हो गया। ठीक है, प्लस 3 तो हो जाएगा 616 माइनस 77 और 3 80, तो 616 में से 80 घटा देंगे तो 0 में से 6 में से 0 गया 6, यहां पर हो गया 11, 11 में से 8 गया तो आपका हो जाएगा 3, यहां पे खासी दे दिया था तो बच गया 5 यानी कि 536 सेमी स्क्वायर, यानी कि उस गत्ते का जो क्षेत्रफल बचेगा उसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 536 सेमी स्क्वायर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक्स।